मोराबादी मैदान में परिवर्तन उलगुलान रैली को राहुल गांधी ने किया संबोधित। मोदी पर किया कड़ा प्रहार। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने रांची के मोराबादी मैदान में परिवर्तन उलगुलान रैली को संबोधित किया। मैदान में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। परिवर्तन उलगुलान रैली में महागठबंधन घटक दल के प्रतिनिधियों ने भी शिरकत की। इस दौरान राहुल गांधी ने अपने संबोधन के दौरान सबसे पहले कहा कि चौकीदार सभी से चोरी करके उद्योगपतियों की तिजोरी भर रहा है। कांग्रेस आदिवासियों के लिए जमीन अधिग्रहण बिल लाई। मोदी ने इस बिल को रद्द किया। संसद में हमने आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि हम अच्छे दिन की बात नहीं करते, किसानों के हित की बात करते हैं। जैसे ही 2019 में कांग्रेस की सरकार आएगी, हम काम शुरू कर देंगे। मोदी ने जैसे उद्योगपति दोस्तों को लाखों रुपए दिए, वैसे ही हम गरीबों के अकाउंट में भी मिनिमम इनकम गारंटी देंगे। ये कांग्रेस का ऐतिहासिक कदम होगा। अभी तक किसी भी देश में ऐसा काम नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मोदी ने झारखंड को सिवाय जुमला के दिया ही क्या। जहां भी मोदी जाते हैं वहां लोगों के बीच में नफरत फैलाते हैं। कितने युवाओं को मोदी ने रोजगार दिया, झारखंड में कितने उद्योग लगे। मोदी आदिवासियों से उनकी जमीन छीनते हैं लेकिन रोजगार नहीं, सिर्फ जुमले देते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर अनिल अंबानी और 15 उद्योगपतियों का कर्जा माफ होगा तो गरीब किसानों का भी कर्जा माफ होगा। गरीबों के बच्चे को भी अच्छी शिक्षा मिलेगी, उनका इलाज भी अच्छे अस्पताल में होगा। एक चौकीदार ने हिंदुस्तान के सब चौकीदारों को बदनाम कर दिया। मतलब अलग अलग चौकीदार मेरे पास आ रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि भैया आप नारा बदलो, आप कहो कि देश का चौकीदार चोर है। क्योंकि हम सब चोर नहीं है, हम तो ईमानदार हैं। देश के सब चौकीदार कह रहे हैं तो मैं उनको कहना चाहता हूं, देखिए आप घबराइए मत, जनता समझती है हम किस चौकीदार की बात कर रहे हैं। सब लोग जानते हैं कि जब चौकीदार चोर नारा चलता है तो नरेंद्र मोदी जी की बात हो रही है। और ये जो चौकीदार है इन्होंने सिर्फ राफेल मामले में चोरी नहीं की। आपने देखा होगा पिछले दिनों में वायुसेना ने हिंदुस्तान की रक्षा की, वायुसेना ने हिंदुस्तान की रक्षा की और उसी वायुसेना से चौकीदार ने 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके अनिल अंबानी को दिए। पूरा देश जानता है कि एचएएल से नरेंद्र मोदी जी ने वायुसेना के पायलट से नरेंद्र मोदी जी ने 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके अनिल अंबानी की जेब में डाला। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है कि नरेंद्र मोदी जी ने, चौकीदार ने मुझे साफ बता दिया था कि अगर राफेल हवाई जहाज हिंदुस्तान को बेचना है तो अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा। और आपने देखा होगा वायुसेना देश की रक्षा करती है, वायुसेना में पायलट शहीद होते हैं और हमारे प्रधानमंत्री वायुसेना से पैसे छीनकर चोरी करके अनिल अंबानी की जेब में डालते हैं। शर्म की बात है, इससे शर्म की बात बड़ी बात नहीं हो सकती। मगर ये चौकीदार सिर्फ वायुसेना से चोरी नहीं करता है, ये चौकीदार किसानों से, मजदूरों से, आदिवासियों से भी चोरी करता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कैसे करता है। देश के किसान, देश के आदिवासी, झारखंड के किसान, झारखंड के आदिवासी, आप अच्छी तरह सुनिए। कांग्रेस पार्टी आपके लिए
आपकी रक्षा के लिए 2013 में जमीन अधिग्रहण बिल लाई थी। आदिवासियों की जमीन की रक्षा करने के लिए हम ट्राइबल बिल और पैसा कानून लाए थे। ये जो जल है, जंगल है, जमीन है, ये आपकी है, ये अंबानी की नहीं है। इंडिया में भरोसे की मिसाल है डबल चेक। कैसे? आओ दो कदम पीछे लेकर खुद ही देखें। किसी दिन दरवाजा डबल चेक, तो किसी दिन न्यूज। कभी कभी तो कार भी हो जाती है डबल चेक। अब जिस देश में भरोसे का मतलब है डबल चेक, वहां वोटिंग के लिए ईवीएम का नया वीवीपैट, ताकि आप अपना वोट डालते ही डबल चेक कर सके। कुछ ऐसे ही हजारों और चेक्स मिलकर बनाते हैं ईवीएम को भारत की मिसाल। ईवीएम मशीन नहीं, भारत की मिसाल है ये। रेस्टोरेंट की एक्सप्रेस डिलीवरीज अब घर बैठे ऑर्डर करें सिर्फ एक कॉल पर। फ्री होम डिलीवरी के लिए हमें कॉल करना ना भूलें 8092201666। न्यूज़लेंस में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है